नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता टारगेट स्टडी एक्यू के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की डेट में यानी कि 26 जुलाई 2019 को कारगिल विजय दिवस के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वजह से पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के लिए कह सकते हो खुशियां मनाई जा रही हैं, और हम सभी लोगों के लिए फक्र की बात है कि भारतीय सेना ने ऐसा कारनामा किया था। और किसी भी जगह पर कि अपने देश में देश की सुरक्षा सबसे बढ़कर होती है। और आप लोग भी अगर भारतीय सेना को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। दोस्तों, जब पाकिस्तानियों ने चुपके से भारतीय सीमा में एंटर किया था, उस समय भारतीय सेना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये डेट थी 3 मई 1999। 3 मई 1999 का दिन था जब पहाड़ से उतरते वक्त जो वहाँ के बकरी चराने वाले होते हैं उन लोगों ने भारतीय सेना को ये इन्फॉर्म किया था कि सर, पहाड़ी के ऊपर क्षेत्र में कुछ पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है। तो जब ये खबर भारतीय सेना को मिली थी, उसी समय भारतीय सेना ने क्या किया कि पेट्रोलिंग के लिए अपने कुछ सैनिक उस एरिया में भेजे थे। ठीक है, तो मैं आपको वो पहाड़ी दिखा देता हूँ, कारगिल पहाड़ी, जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। आप ये इस चोटी का पीक देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना नीचे की तरफ थी। इस वजह से ये युद्ध बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि पाकिस्तानी जो थे वो पहाड़ी के ऊपर थे, उनके लिए बड़ी आसान था कि वो भारतीय सेना पर वॉर कर सकें, और भारतीय सेना जो थी वो नीचे की तरफ थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट युद्ध था। इसके बाद बावजूद भी हम लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो जब बकरी वालों ने भारतीय सेना को ऐसा इन्फॉर्म किया तो भारतीय सेना की तरफ से एक टुकड़ी थी वो उस जगह पर जाकर पेट्रोलिंग करने पहुंची। तो पेट्रोलिंग के दौरान क्या हुआ था कि मैक्सिमम लोगों को, जितने भी लोग पेट्रोलिंग के लिए वहां पर गए थे, उनको पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया था, और उनमें से 5 लोगों की पाकिस्तानियों ने हत्या कर दी थी। इसी तरह से शुरू हुआ पूरा कारगिल युद्ध। अब दोस्तों देखो, वैसे तो मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ कारगिल युद्ध के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको जरूर देख लेना। आज हम लोग करेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपके लिए करवाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस को किस दिन मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस को हर वर्ष प्रतिवर्ष 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जुलाई को कारगिल विजय के दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप कारगिल विजय दिवस का एक फोटो भी देख सकते हैं, जिसमें कि टाइगर हिल पर जब भारत ने पुनः कब्जा कर लिया था उसके बाद का ये फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। देखो, 26 जुलाई 2019 को खास क्यों है, क्योंकि इस बार हम लोग, ये देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, 26 जुलाई 2019 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई जा रही है। तो इस बार भारत इसकी 20वीं वर्षगांठ बना रहा है, इस वजह से ये दिन बहुत ज़्यादा खास है और हर जगह न्यूज़ में आपको इसी का बोलबाला मिल रहा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन से जो अभी करवाने थे, साथ ही साथ में बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप उस वीडियो में जाकर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वंदे भारत ने किस नए रूट पर अपना ट्रायल पूरा कर लिया है। आपको भी पता है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसने अभी रिसेंट में दिल्ली से कटरा वाले रूट पर अपना ट्रायल जो है वो पूरा कर लिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का एक फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, ये आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, जो इसमें साफ साफ लिखा है दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस कमिंग सून, यानी कि इस रूट पर वो पूरी तरीके से चलने वाली है, लेकिन अभी उसने अपना ट्रायल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअल में क्या है कि वैष्णो देवी जाने वाले बहुत ज़्यादा यात्री होते हैं, उनको सुविधा प्रोवाइड करने के उद्देश्य से वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली से कटरा के लिए चलाया जा रहा है। जब आप वैष्णो देवी जाएंगे तो आपको जम्मू के कटरा स्टेशन पर उतरना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो वंदे भारत एक्सप्रेस का ये दूसरा रूट होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था, तो पहली बार जब इसको चलाया गया था तब इसको, यानी कि अभी भी उस रूट पर चल रही है, दिल्ली से बनारस के बीच में इसको चलाया गया है। तो ऑप्शन देकर इस पर टिक कर देना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दिल्ली से बनारस के बीच में इसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ में आपको पता होगा ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम चेंज कर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ में ट्रेन 18 जो है ये भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन थी, यानी कि इसमें कोई भी इंजन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस ट्रेन को कहाँ पर बनाया गया था, तो इसको चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया था।
उसके अलावा ये ट्रेन किसका स्थान लेगी, तो आपको पता होगा 1988 में एक ट्रेन शुरू करी गई थी जिसका नाम था शताब्दी एक्सप्रेस। ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसी का स्थान लेगी ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आप अगर इसको रिवाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। दोस्तों करंट अफेयर्स पर जो डिस्काउंट लगा था अब उसके मात्र 2 दिन शेष हैं। अगर आप अभी भी आपने करंट अफेयर्स नहीं परचेज किया है तो आप इसको ले सकते हैं क्योंकि अभी इस पर एक डिस्काउंट चल रहा है। बार बार मुझसे मत कहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल मई और जून पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स जिसकी कीमत आपको 200 नहीं पे करनी है, 180 नहीं पे करनी है, 150 नहीं, मात्र 100 रुपये का ऑफर मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से उस पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक का PDF लेना चाहते हैं तो उस पर भी डिस्काउंट लगा दिया है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें आप माइकल फेल्प का फोटो देख रहे हैं। ये एथलीट जब जिस साल इसने अपना पदार्पण किया था तो इतने ज़्यादा अवार्ड्स जीते थे कि उस समय के ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए थे और ऐसा माना जाता है कि ये जो तैराक हैं ये दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं पानी के अंदर। अगर हम लोग आधे घंटे भी पानी में बैठ जाएं तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, जुखाम हो जाएगा या फिर स्किन में फफोली से पड़ जाएंगे। लेकिन इस प्लेयर ने 8 घंटे डेली की प्रैक्टिस करी है। आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक फिश का होता है, मछली का, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि इसको कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। अभी कल की डेट में एक खिलाड़ी ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्रिस्टोफ मिलाक ने कितने मीटर की बटरफ्लाई स्ट्रोक में माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपको बात बता देते हैं कि कुल मिलाकर 200 मीटर की बटरफ्लाई स्ट्रोक में क्रिस्टोफर मिलाक ने माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और जो कि कल के न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा फेमस न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ है कल की डेट का, क्योंकि सभी लोग अभी तक ये सोचते थे कि माइकल फेल्प का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टोफर मिलाक का फोटो जिन्होंने इस नए रिकॉर्ड को कायम किया है, वो भी माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को तोड़कर। तो यहाँ पर पूरा चीज़ जानेंगे इस ये किस इवेंट में उन्होंने ऐसा किया है। ये किया है वर्ल्ड इक्वेटिक्स चैम्पियनशिप ने, फिर से देख लेना, वर्ल्ड इक्वेटिक्स चैम्पियनशिप में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने रिकॉर्ड क्या बनाया है, रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ कि सन 2009 में माइकल फेल्प्स ने 1 मिनट 51 सेकेंड में इस रिकॉर्ड को बनाया था, जबकि इस बार इन क्रिस्टोफर ने मात्र 1 मिनट 50 सेकेंड में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो इवेंट था इसको दक्षिण कोरिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। भारत के सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद, चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के बाद में पाकिस्तान ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है। पाकिस्तान ने किस वर्ष में अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजे जाने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया है कि सन 2022 में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सन 2022 में पाकिस्तान अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान वालों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि वो इसको सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इस न्यूज़ में एक चीज़ और समझेंगे, देखो पहले तो एक आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, लिखा है पाकिस्तान टू सेंड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्पेस इन 2022, यानी कि 2022 में पहला वैज्ञानिक जो है एस्ट्रोनॉट है उसको स्पेस में भेजेगा। ये अकेले अपनी दम पर नहीं कर सकता है, यहाँ पर पूरी मदद जो है ये चाइना के द्वारा इसको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है। अगला प्रश्न बनता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में, इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पिछले साल से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो है 52nd, ठीक है। 52 रैंक यहाँ पर भारत का आया है। कहाँ पर आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत 52वें स्थान पर आया है। अगर बात करी जाए पिछले साल की, तो पिछले साल भारत 57 रैंक पर था, इस बार अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कि हम लोग 52nd रैंक पर पहुँच गए हैं। 2019 की अगर थीम की बात करी जाए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, तो इसकी थीम हो जाएगी क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन, ये इसका थीम हो जाएगा।
और इस बार जो इसका संस्करण है वो है 12वां संस्करण, जिसको इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही साथ में अगर आपसे बात करी जाए इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन आया है, तो पहले स्थान पर आया है स्विट्जरलैंड, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको फोटो दिखा देते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 की, जिसको कि एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता है कि इस इंडेक्स को कहाँ पर जारी किया गया है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस इंडेक्स को भारत में लॉन्च किया गया है, भारत के नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 को लॉन्च किया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, भारत की इसमें रैंक आई है 52nd। 2018 की बात करी जाए तो 57 रैंक 2018 में थी, 2019 में इसकी 52nd रैंक है। अब यहाँ पर टॉप के तीन देशों का नाम देख लेते हैं, हालांकि पहले जो पहला देश होता है सिर्फ उसी का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, नंबर टू पर है स्वीडन और नंबर तीन पर आया है अमेरिका। अभी देखो पिछले महीने की बात कर रहे हैं, जून में मैंने आपको बताया था कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक जो थी वो थी 101, ठीक है। अब उसको अपडेट कर लेना, अभी एक नई लिस्ट जारी करी गई है फीफा के द्वारा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कितने कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103, ठीक है। पहले हम लोग अच्छी पोजिशन पर थे, हमारी जो पोजीशन है वो दो स्थान नीचे खिसक गई है, 103वें पोजीशन पर हम लोग इस समय पहुंच गए हैं। अभी तक आप लोगों ने 101 याद किया था, अब इसको अपडेट कर लेना, 103 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फीफा का एक लोगो देख लेंगे सो दैट आपके मन में एक अच्छी सी इमेज बन जाए कि हाँ इस टाइप का एक क्वेश्चन पड़ा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग रिसेंट में फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं जनवरी से लेकर अभी तक, उनको पॉइंट वाइज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में एक इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसने जीता था, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं इसको उत्तर कोरिया ने जीत लिया था, तो ऑप्शन देखकर उत्तर कोरिया पर टिक कर देना। अगला प्रश्न है, अभी रिसेंट में फीफा महिला विश्व कप 2019 ऑर्गेनाइज किया गया था जिसको अमेरिका ने जीता था, ठीक है। इसी तरीके से चीन 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, कब करेगा, चीन 2023 में इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर सिटी टीम ने प्रीमियर लीग 2019 का खिताब जीता है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए भारतीय फुटबॉल टीम के कोच का नाम क्या है, तो क्रोएशिया के रहने वाले इगोर स्टिमैक जो हैं इस समय भारतीय टीम के फुटबॉल कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में देखो एक क्वेश्चन बनता है, पहली बार किसी भारतीय को फीफा के कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल को फीफा के कार्यकारी सदस्य के रूप में, पहले भारतीय के रूप में सदस्य के रूप में मनोनीत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन डिफेंस करंट अफेयर्स के ऊपर बनता है कि भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तो भारतीय सेना का जो उप प्रमुख है वो बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवाने को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। मनोज मुकुंद का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको कि इस पद पर बिठाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत दिनों से ट्रिपल तलाक को लेकर डिस्कशन चल रहा था, हर न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे थे कि ट्रिपल तलाक जो बिल है ये लटका पड़ा है। अभी कल की डेट में लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल जो है वो पास कर दिया गया है। इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में लोकसभा में पारित ट्रिपल तलाक के बिल के तहत आरोपी पुरुष को कितने साल का कारोबार की सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर अभी जो रूल आया है कि ट्रिपल तलाक के मामले में अगर कोई आरोपी पाया जाता है पुरुष, तो उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 साल की सजा यहाँ पर दी जा सकती है। देखो इस वीडियो को जो भी देख रहा है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप इस चीज़ को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों का इस चीज़ में कहना था कि ये उनके धर्म से जुड़ी चीज़ है, इस पर कोई भी इंटरफेयर ना किया जाए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो ट्रिपल तलाक पर गवर्नमेंट ने अभी जो ये जो नया रूल दिया है ये आपको सही लगता है या गलत लगता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगला प्रश्न है, अभी फॉर्च्यून ने ग्लोबल 500 लिस्ट को जारी कर दिया है, यानी कि दुनिया की 500 सबसे अच्छी कंपनियों की लिस्ट को जारी कर दिया है, उस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन आया है। तो अगर पहले स्थान की बात करी जाए तो एक कंपनी है वॉलमार्ट, जिसने फ्लिपकार्ट को परचेज कर लिया था, उस कंपनी को पहला स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर आप वर्ल्ड मार्ट का फोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय कंपनी को इसमें सबसे अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो सभी लोग जानते हैं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इस लिस्ट में भारत की सबसे पहली कंपनी रही है। यानी कि उसको ओवरऑल लिस्ट में बात करी जाए तो 106 स्थान पर दिया गया है, लेकिन भारत की सबसे अच्छी कंपनी के रूप में उभर कर आई है। अब इस लिस्ट में टॉप की तीन कंपनियों की बात अगर करी जाए तो वॉलमार्ट नंबर वन पर है, सिनोपेक ग्रुप जो है नंबर टू पर है, और रॉयल डच सेल ये तीसरे नंबर पर आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुढ़ापे में देखभाल के लिए आईआईटी खड़गपुर ने किस नाम से एक ऐप डेवलप किया है? तो बुढ़ापे यानी कि ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनकी देखभाल के लिए आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने केयर फॉर यू नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, केयर फॉर ओल्ड मत टिक कर दिया ना, थोड़ा सा ये लगता है कि ये नाम हो सकता है, लेकिन केयर फॉर यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर के बच्चों ने इसको डेवलप किया है। इसकी खास बात ये है कि जब भी कोई ये जो ऐप है ये न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। मतलब अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है अगर वो कहीं पर गिर जाते हैं तो जैसे ही वो गिर जाएंगे तो किसी के पास में मोबाइल जो उसका केयर टेकर होगा उसके मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा और वो बता देगा कि वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो किस लोकेशन पर गिर गए हैं, सो दैट उनकी मदद वहाँ पर पहुँचाई जा सके। तो इस ऐप का नाम है केयर फॉर यू। अब दोस्तों हम लोग कारगिल युद्ध के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसको शुरू किया गया था 3 मई 1999 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध समाप्त कब हुआ था? आपको बता चुका हूँ 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध खत्म हुआ था, जिस वजह से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानियों ने जो घुसपैठ भारत के अंदर किया था उसका उस घुसपैठ का नाम क्या रखा गया था? तो पाकिस्तानियों द्वारा भारत में जो घुसपैठ करी गई थी उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बद्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कारगिल में भारत ने किस नाम से एक ऑपरेशन चलाया था? तो भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कारगिल युद्ध कितने हजार फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था? तो इस युद्ध को 16,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को बंदी बना लिया गया था? जिस तरीके से रिसेंट में अभिनंदन को बंदी बना लिया था, उस समय कारगिल युद्ध के समय पर भारत के एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था नचिकेता को उस समय पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न बनता है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पूरा प्लानिंग थी कि भारत को किस तरीके से भारत पर आक्रमण करना है ये सब था परवेज मुशर्रफ को, क्योंकि परवेज मुशर्रफ उस समय आर्मी के चीफ थे। तो ऑप्शन सी, पीएम का नाम पूछा जाए तो नवाज शरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ में ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध जो कि 1999 में शुरू किया गया था उसको एक्चुअल में 1984 में शुरू किया जाना था। उस समय के जो पाकिस्तान का जनरल था जिसका नाम था जनरल लिया उल हक, उनके शासन के दौरान पर भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने ये चीज़ पाकिस्तानियों से छिपा कर रखी थी, क्योंकि ये चीज़ अगर पाकिस्तानियों को पता चल जाती तो उनकी सरकार गिर जाती, जिसके चलते उन्होंने एक प्लानिंग करी थी कि वो भारत पर भी इसी तरीके का एक अटैक करेंगे, लेकिन उस समय वो उसको अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद में 1999 में उन्होंने इस चीज़ को संपन्न किया था। दोस्तों इस समय हेमा दास ने अभी रिसेंट में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, उन पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब यहाँ पर हम लोग हेमा दास के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हेमा दास को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो हेमा दास को एक निक नेम है जिसका मतलब नाम है डींग एक्सप्रेस, तो हेमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में एक और नाम है जिस नाम से उनको जाना जाता है, जो कि है हेमा दास को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डींग एक्सप्रेस के नाम से उनको इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि वो जिस गांव से बिलोंग करती है उसका नाम है डींग, इस वजह से उनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, हेमा दास भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं? तो हेमा दास जो हैं वो भारत के राज्य असम से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
असम के पास में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नांगाव, उसी के पास में एक गांव है जिसका नाम है डींग गांव, जहां से वो बिलोंग करती हैं। इंडिया के मैप में असम की लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ये मैप दिख जाएगा। हीमा दास के पिता का क्या नाम है? तो हीमा दास के पिता का नाम है रौनित दास, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमा दास की माता का क्या नाम है? उनका नाम है जोनाली दास, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमा दास की माता का नाम जोनाली दास है। हीमा दास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी सन 2000 में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद में एक चीज़ और देख लेते हैं, हीमा दास का पर्सनल जो रिकॉर्ड है सर्वश्रेष्ठ वो देख लेते हैं। 100 मीटर में अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है वो है 11.74 सेकेंड, 200 मीटर में 23.10, 400 मीटर में 50.79 सेकेंड का इनका खुद का बेस्ट है। हीमा दास जिनके पास कभी पहनने के लिए एक जोड़ी शूज़ भी नहीं थे, उनको किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस समय हीमा दास को एडिडास कंपनी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिडास कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हीमा दास को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको सन 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, जिसका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हीमा दास को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2018 में। अब यहाँ पर शुरू करते हैं अभी जो रिसेंट पे उनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि पहला है पॉजनेन एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 में हीमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है, कितने मीटर की रेस में जीता है? तो ये 200 मीटर की रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ में ये जो इवेंट है पॉजनेन एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई थी? तो इसको पोलैंड में आयोजित किया गया था। हीमा दास को किस राज्य का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हीमा दास को असम राज्य का, जिस राज्य से वो बिलोंग करती हैं उसी राज्य का खेल राजदूत भी बनाया गया है। आगे चलते हैं, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हीमा दास को भारत का पहला युवा राजदूत बनाया है? तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने हीमा दास को पहली कोई भारतीय बनी है जिनको कि अपने यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का युवा राजदूत बनाया है। अगला प्रश्न है, अभी एक एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ था जिसका नाम था कुटनो एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में हीमा दास ने कितने मीटर में गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल तो जीता, सभी को पता है उन्होंने 200 मीटर की इवेंट में गोल्ड मेडल को जीता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कल्दानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में हीमा दास ने कौन सा पदक जीता है? वहां पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। कल्दानो एथलेटिक्स मीट के दौरान आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कल्दानो एथलेटिक्स मीट में कितने मीटर में उन्होंने गोल्ड जीता है? तो ये 200 मीटर की इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये जो कल्दानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट है ये कौन से देश में ऑर्गेनाइज करी गई थी? तो इसको चेक गणराज्य में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ, अगला जो इवेंट था वो था तैबोर एथलेटिक्स मीट। तो आपको क्वेश्चन बनता है कि तैबोर एथलेटिक्स मीट 2019 में हीमा दास ने कौन सा पदक जीता है? तो पदक में तो आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 2019 में तो आपको गोल्ड मेडल पर ही टिक करना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है कि उन्होंने गोल्ड मेडल वहाँ पर भी जीता था, जिसका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मीट इवेंट है जिसका नाम है टैबोर एथलेटिक्स मीट, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसको चेक गणराज्य में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर उन्होंने 200 मीटर के इवेंट को 23.25 सेकेंड के साथ में जीत लिया था। चेक गणराज्य के बारे में बात हुई तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिलोस जेमान, और वहाँ की जो राजधानी है वो है प्राग, और वहाँ की जो मुद्रा है वो है चेक कोरूना। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं चेक रिपब्लिक का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, नोवे मेस्टो नॉड मेटुजी ग्रैंड प्रिक्स में भारत की हिमा दास ने कितने मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इकलौता ऐसा ये इवेंट था जिसमें हिमा दास ने 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता है, बाकी सभी इवेंट में 200 मीटर में जीता है। तो सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में आपको 400 मीटर पर टिक करना है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं हिमा दास का इस 400 मीटर की रेस को जीतने के बाद में। एक चीज़ यहाँ पर बता दें, ये जो इवेंट है नोवे मेस्टो नॉड मेटुजी ग्रैंड प्रिक्स 2019,
इसको भी चेक गणराज्य में आयोजित किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये तो थे अभी तक के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आज के वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्विज। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में भारत किस नाम से पहला सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास आयोजित कर रहा है। हाल ही में उड़ान योजना में कितने हवाई मार्गों को जोड़ा गया है। देश के रक्षा मंत्री ने किस राज्य में ऊज पुल और बसंतपुर पुल का उद्घाटन किया है। वर्ष 2019 का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यू आर लाइक ए फैमिली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टारगेट स्टडी आई क्यू में डेली इसी तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे। मैं सौरभ गुप्ता हमेशा आपकी हेल्प करता रहूँगा।